Assalamu alaikum students, welcome to my channel Education Planet, and today we will discuss about 9th class chemistry, and this is our second lecture. Take care, and my name is Aksa. Take care, I am your chemistry teacher here. आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री. ठीक है, अब हमें पता है कि केमिस्ट्री का हमारी लाइफ पे बहुत ज़्यादा जो है वो वर्स्ट इफेक्ट है. ठीक है, और वो अच्छा भी है और बुरा भी है. लेकिन जो इसके इफेक्ट्स हैं यानी कि जिसके बेनिफिट्स हैं उनको देखते हुए आपकी लाइफ में इसके डिफरेंट तरह के जो है वो बेनिफिट्स हैं. ठीक है, उस लिहाज से केमिस्ट्री को जो है वो डिफरेंट ब्रांचेस में जो है वो डिवाइड किया गया है. ठीक है, यानी कि आपकी लाइफ पे इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है. ठीक है, तो उसी लिहाज से केमिस्ट्री की जो है वो डिफरेंट ब्रांचेस बनाई गई हैं, जिसमें हम लोग उसी के आपकी लाइफ में जिस तरह से उसका इफेक्ट है उसी तरह से उसको हम लोग स्टडी करते हैं. ठीक है, सबसे पहले जो ब्रांच है वो है आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री. ठीक है, देन है आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तीसरी है आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. फोर्थ वन इज और बायोकेमिस्ट्री. फिफ्थ वन इज एनालिटिकल केमिस्ट्री. सिक्स वन इज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. ठीक है, सिक्स वन इज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री. और एट वन इज एन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री. ठीक है, ये सारी की सारी ब्रांचेज हम लोग जो है वो ब्रांचेज जो है हम लोग फर्दर इसको डिटेल में स्टडी करेंगे. सबसे पहले आज जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है यानी कि ये सारी केमिस्ट्री के ब्रांचेस हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड दैट इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री. ठीक है, ये सारी की सारी जो है वो केमिस्ट्री के ब्रांचेज हैं. ये ब्रांचेज इसीलिए बनाई गई हैं कि केमिस्ट्री का आपकी लाइफ पे किसके अकॉर्डिंग जो है ना वो इफेक्ट है. ठीक है, तो उसी के लिहाज से हमने जो केमिस्ट्री की ब्रांचेज बना ली हैं. ठीक है, और उसी के अंदर जो है हम लोग वो सारे उसको डिटेल में स्टडी करते हैं कि अगर फिजिकल केमिस्ट्री है. ठीक है, तो फिजिकली जो है वो आपकी लाइफ पे क्या इफेक्ट है. ठीक है, या आपको उसको किस तरह से स्टडी करना चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री को डील करेंगे. ओके, फिजिकल केमिस्ट्री. ठीक है, नेम रिलेट नेम से पता चल रहा है कि फिजिकल, हमने पीछे भी इसको डिटेल में डिस्कस किया था, यानी कि वो चीज़ जो किसी की फिजिकल स्टेट यानी कि उसकी ज़ाहरी हालत के साथ एसोसिएटेड होती है. ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि हमने इसमें केमिकल्स केमिकल रिएक्शंस को जो है वो स्टडी करना है उसकी फिजिकल स्टेट को देखते हुए. ठीक है, और ये जो ब्रांच है दिस बेसिकली डील्स विद द रिलेशन बिटवीन रिलेशनशिप को हम लोग इसमें स्टडी करते हैं बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शन बेसिकली कंपोजिशन एंड फिजिकल सॉरी इट्स कंपोजिशन. ठीक है, कंपोजिशन ऑफ मैटर अलोंग विथ चेंजेस अंदर. ठीक है, कि केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली हम लोग जो है वो स्टडी करते हैं रिलेशनशिप. किसके दरमियान रिलेशनशिप, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, और कंपोजिशन किसकी, मैटर की. ठीक है, मेटल कंपोजिशन और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के दरमियान में हम लोग जो है वो क्या करते हैं, रिलेशन को स्टडी करते हैं.
ठीक है, और उसमें क्या चेंजेस आते हैं तो उसके लिहाज से भी हम उसको स्टडी करते हैं। कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने देखी थी मैटर की बहुत डिटेल में, कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, उसका टेक्सचर, उसका ऑर्डर, वो सारा कुछ, ठीक है, इंट्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। तो वो प्रॉपर्टीज, ठीक है, और साथ उसकी कंपोजिशन मैटर की, कि मैटर की जो कंपोजिशन है, जिस तरह से वो बना हुआ है, उसके दरमियान में जो एटम्स हैं, ठीक है, वो किस तरह से कंबाइन हैं और वो आपके पास क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें, और साथ में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या रिलेशन है, ठीक है, क्या रिलेशन है। अब हमने पीछे एक एग्जाम्पल ली थी, अगर हम कंसिडर करते हैं वाटर को एज अ मैटर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास वाटर है, इसकी कंपोजिशन आपको नजर आ रही है कि इसके अंदर दो हाइड्रोजन के एटम्स और एक ऑक्सीजन का एटम, ऐसा ही है, ठीक है, 2:1 कंपोजिशन आपको इसको पता चल गई। देन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, अगर आप, आपको पानी का पता है कि पानी अगर आप लेते हो तो उसका टेक्सचर, उसका जो है वो आपको ऑर्डर, सारा कुछ, उसका टेस्ट पता चल जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है और फ्रीजिंग पॉइंट है, वो आप लोग एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करोगे, ठीक है। अब ये जो वाटर है ना, अब इसकी कंपोजिशन है क्या, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, 2:1, ठीक है। अब इसमें और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। अब इन दोनों प्रॉपर्टीज, ये हो गई आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और ये होगी उसकी कंपोजिशन मैटर की। अब इनके दरमियान में क्या रिलेशन है, यही हमने जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग स्टडी करते होते हैं, ठीक है, कंपोजिशन फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या रिलेशन है। अब देखिए जरा, वाटर को अगर आप लोग क्या करना स्टार्ट कर दे, बॉयल, उसको आपने जो है एक कंटेनर के अंदर पानी लिया है, उसको आपने रख दिया है स्टोव के ऊपर, उसको आपने हीट अप करना स्टार्ट कर दिया, पानी क्या हो जाएगा थोड़ी देर के बाद, एवेपोरेट, यानी कि वो किस में चेंज हो जाएगा, वेपर्स के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, पानी जो है वो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चला गया, ऐसा ही होता है ना, जैसे कि अगर आप लोग, ये पानी है आपके पास, ठीक है, उसको आपने क्या करना शुरू कर दिया था, हीट करना शुरू कर दिया, तो किस में जाना शुरू हो गया, वेपर स्टेट में। तो अब ये लिक्विड जो है वो वेपर स्टेट में चला गया, मतलब कि उसकी फिजिकल स्टेट क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक है। पानी जो था, जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड था, वो हीट करने से जैसे ही वो 100 डिग्री सेल्सियस पे गया तो वो बॉयल होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड था, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से वो वेपर्स में चेंज हो गया, यानी कि उसकी कंपोजिशन चेंज हुई जैसे ही उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई, ठीक है। तो ये रिलेशन वो बेसिकली हम लोग जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते होते हैं, कि अगर जो है वो फिजिकल स्टेट मैटर की चेंज होती है तो उसकी कंपोजिशन, यानी कि जो उसकी कंपोजिशन है वो अगर चेंज होती है, ठीक है, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो भी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये रिलेशन जो है हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं वो है वो हम लोग स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब एटम का स्ट्रक्चर क्या है, सारी की सारी हमारी केमिस्ट्री जो है वो सारे के सारे रिएक्शन जो है वो एटम के ऊपर ही बेस करने हैं, ठीक है। एटम, एटम क्या होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट और इनडिविजिबल पार्ट ऑफ मैटर, यानी कि आपके पास कोई भी मैटर है, ठीक है, वो हमने डिटेल में डिस्कस किया था अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, कोई भी मैटर है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है वो ये टेबल है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक टेबल है, ठीक है, इसको आप लोग क्या कर रहे हो, कितना कट डाउन कर रहे हो, कटिंग कटिंग कटिंग, ठीक है, तो ये एक ऐसे स्टेट में आ जाएगा, ठीक है, ये मैंने बहुत बड़ा बना दिया है, इससे भी छोटे छोटे पीसेस में जब ये कन्वर्ट हो जाए, जब इसका एक पीस जो है वो मजीद आगे डिवाइड ना हो सके, इनडिविजिबल मतलब जो मजीद तकसीम ना हो सके, ठीक है, जो मजीद तकसीम नहीं हो सकता, जब वैसे स्टेट आ जाएगी ना, तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, एटम, ठीक है, इसको हम लोग एटम बोलते हैं।
तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को भी स्टडी करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को किस तरह से स्टडी किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास, हमने जो केमिस्ट्री में एटम का स्ट्रक्चर हमने स्टडी किया है, जो हमें साइंटिस्ट ने बताया है कि एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी करके, वो एक्चुअली बहुत छोटा है, ठीक है, बहुत ही छोटा सा है, हम उसको हमारी नेकेड आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए हमें जो है वो स्पेशल एक्सपेरिमेंटल और लेबोरेटरी टेक्निक्स इस्तेमाल करनी पड़ती हैं एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए। जो स्टडी से रिसर्च से पता चला है, वो हमें पता चलता है कि जो एटम है बेसिकली वो आपके पास क्या है, इस तरह से उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और उसके इर्द गिर्द जो है वो शेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर जो होता है ना, वो आपके पास होता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है, और उसके बाहर जो होता है ना, शेल्स के अंदर जो रिवॉल्व कर रहा होता है न्यूक्लियस के गिर्द, वो होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है, एंड दिस इज शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं एटम के गिर्द, ठीक है। अब क्या होता है, न्यूट्रॉन पे होता है कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, ये न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन के ऊपर अगर देखा जाए तो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और आपके पास इलेक्ट्रॉन पे देखा जाए तो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के ऊपर, क्योंकि अंदर जो है वो प्रोटॉन है, ठीक है, तो प्रोटॉन के ऊपर होता है प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो ओवरऑल न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होता है ना, वो न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होता है ना, वो होता है पॉजिटिव, ठीक है। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बाहर जो इलेक्ट्रॉन बोल कर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को करते हैं कैंसिल, ठीक है, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कर देते हैं कैंसिल। ओवरऑल एटम का जो चार्ज है, ओवरऑल एटम का जो चार्ज होता है, वो होता है न्यूट्रल। न्यूक्लियस पे देखा जाए तो पॉजिटिव चार्ज, बाहर इलेक्ट्रॉन की बोल कर रहे हैं वो नेगेटिवली चार्ज, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को करते हैं कैंसिल, ठीक है। ओवरऑल एटम के ऊपर चार्ज आता है कोई भी नहीं, न्यूट्रल, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग एटम स्ट्रक्चर को भी फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इसके अलावा बिहेवियर ऑफ गैसेस को स्टडी किया जाता है, ठीक है, और उसके अलावा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है, रेडिएशन है मैटर के ऊपर, यानी आपके पास कोई भी मैटर है तो जब आप उसको टेम्परेचर देते हो, जैसे पानी मैटर था ना, उसको हमने जब हीट किया, टेम्परेचर दिया, तो उसमें क्या है, चेंज आ गया, ठीक है। इसके अलावा अगर दूसरा कोई सॉलिड मैटर है, उसको आप रेडिएशन देते हो, ठीक है, जैसे मेटल्स वगैरह हैं, उसको अगर आप हीट देते हो, रेडिएशन देते हो, टेम्परेचर देते हो, तो उसमें क्या चेंज आता है उसके फिजिकल स्टेट में, तो वो सारा हम लोग इसी ब्रांच के अंदर डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।